कुछ ही देर में आनंद नगर चौल की रामलीला शुरू होने वाली है। वो मैन, इतने सारे बटन, ये तो वीडियो गेम से भी बेटर है। अरे लक्ष्मण कहाँ चला गया? चिंटू कहाँ चला गया? कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, स्टेज पे क्यों नहीं आ रहा? जाओ उसको ढूंढो। ए चिंटू आना। अरे वो देखो देखो लक्ष्मण जी। लास्ट लैप चल रहा है। यू मीन विनिंग। अरे लाइट क्यों ऑफ हो गई? लाइट लाइट कैसे चली गई? लाइट ओह नो, लाइट कैसे चली गई? जरूर सिद्ध ने कुछ किया होगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अरे वो देखिए सीता मैया जी, अरे वो देखिए सीता मैया जी आ रही है। थैंक गॉड ये पपी गायब आ गई, वरना प्रॉब्लम हो जाती। मजाक बना रखा है क्या? ये सिर्फ ने फिर गड़बड़ कर दी, एक काम ढंग से नहीं होता। सोच भी मत। थैंक यू। अरे हमेशा ना एटीट्यूड क्यों दिखाते हो? माना एहसान की एहसान चुका भी दूंगी, डॉक्टर शशांक के साथ ड्यूटी करनी है। अब रुका, मैं कल ड्यूटीज चेंज करवा दूंगी। थैंक्स। चलो ठीक है, अभी हमारा सब ठीक हो गया। तुमने मेरी मदद की, मैंने भी तुम्हारी मदद की। ओके
पता नहीं इसके और डॉक्टर शशांक के बीच है क्या। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं तो लाइट अप नहीं, वो फोन आ गया था। हम शूमी आगे निकल गया, इसलिए गलत लीवर दब गया। देखो ये सब जो हो रहा है ना, इसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। तुम परेशान हो रहे हो? यहाँ सब शो खराब हो गया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम परेशान हो गए हो। मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय नहीं कर रहे, लोग हंस रहे हैं हम सब पर। पर हंसना बुरी बात थोड़ी है, और वैसे भी कोई बोर थोड़ी हो रहा है। मेरी मानो कूल। नहीं, ये कूल नहीं है। इन बच्चों ने 3 महीनों से मेहनत की है, उन बच्चों पर लोग आज हंस रहे हैं। देखो मैं जानता हूँ ये सब जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, पर तुम चिंता मत करो। देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करना सीखो। लाइफ इतनी भी सीरियस नहीं है जितना तुम लेती हो, थोड़ा स्माइल किया करो। और वैसे भी ये सब एक ड्रामा ही तो है, जिन्हों को क्या कहते हैं, हाँ नौटंकी तो है सब। तुम्हारे लिए कुछ भी सीरियस नहीं है ना, सब मजाक है सब। किसी को बीच रास्ते पे छोड़ देना, किसी की वैल्यूज का मजाक बनाना, तुम्हारे लिए सब मजाक है ना। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारी मदद करने को नहीं कहा था, तुम सबने मेरी मदद मांगी थी राइट। मैं यहाँ तुम्हारा पर्स वापस देने आया था, तुम्हारी हेल्प करने नहीं। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारा ये पूजा पाठ नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे फेस्टिवल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता कि राम जी दशरथ के बेटे थे, या ये नहीं पता कि उनके 3 और भाई थे? कैकेयी के कहने पे 14 साल वनवास पे गए थे ना जंगल में, जहाँ रावण ने सीता माँ को किडनैप किया था, और हनुमान जी की मदद से राम जी ने रावण का वध किया। उसी दिन दशहरा मनाया जाता है ना, और जिस दिन राम जी और सीता माँ अयोध्या लौटे, दिवाली का फेस्टिवल उसी दिन मनाया जाता है राइट। और कुछ सुनना है या पूरी रामायण सुनाऊं? मैं यहां रहता नहीं था, इसका यह मतलब नहीं कि मैं इंडियन वैल्यूज और कल्चर को भूल चुका हूं। पर तुम एक बात बिल्कुल मत भूलना, आगे से कभी भी तुम किसी भी मुसीबत में हुई ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने नहीं आऊंगा। Got that? अभी सुनो ये पार्टी की। जी तो मंदिर आने से पहले नॉक क्यों नहीं कर सकती? अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? जिया प्लीज, अभी तुम मुझे हर बार अजनबियों के जैसा क्यों फील करवाते हो? हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जिया। फाइन, परफेक्ट। तुम्हें पार्टी का मेन्यू डिस्कस करें। मुझे लगता है कि चाइनीज के साथ इटालियन या मेक्सिकन होना चाहिए, इंडियन वुड बी टू बोरिंग। वही दाल मखनी, पनीर बटर, तुम्हें क्या लगता है? ये सब करने की क्या जरूरत है जी? हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं, हमारी जिंदगी अलग अलग है, हम पति पत्नी सिर्फ नाम के लिए है, तो फिर कौन सा वेडिंग सेलिब्रेशन किसके लिए? हमारे लिए, गॉड डैम इट, हमारे लिए। अलग कमरा तुम चाहते थे, अलग जिंदगी तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। हम पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं,
तुम्हें समझ में आता है? जिया प्लीज, जिया प्लीज, क्या हर बार प्लीज करके मुझे चुप करा देते हो। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ, तुम जैसा कहते हो वैसा करती हो, उठते हो करते हो, उठ जाते हो, बैठे हो करते बैठ जाते हो, लेकिन तुम मुझे एक बात नहीं मानना चाहते। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने हर तरह से खुश करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं छोड़ना चाहते। मैं सिर्फ एक बात के लिए तो कह रही हूँ, क्या चाहते हो तुम मुझे? क्या चाहते हो? बैठ, आराम से रोना बंद कर। तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारी दवाई का असर नहीं होगा, प्लीज। मैं एक खुशी मांग रही हूँ कि तुम्हें वो भी गवारा नहीं है। हमारी एनिवर्सरी पार्टी, क्या मैं एक पार्टी नहीं थ्रो कर सकती हमारे लिए? सेलिब्रेट कर सकते हैं, ओके। अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो तुम कर सकते हो। सच? मुझे पता था तुम मान जाओगे। मुझे पता था कि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच, सच अ स्वीटहार्ट। थैंक यू सो मच। बुढ़वा कैसे कैसे हो सकता है? मुगल सराय के पराठों की कसम, अरे अगर हमको से पहले से ही पता होता ना फ्लावर जी कि आपके पीछे कोई गुंडा पड़ा है, तो हम उस ब्लडी फुलवा को, ब्लडी फुलवा नहीं, ब्लडी कांटे को आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ते। मुगल सराय में तीसरे पन्ने पर तस्वीर आई थी। तुमको पता है? पता है, पता है, मैंने तुम्हारे किस्सों के बारे में बहुत सुना है। वही 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 किस्से। हाय हाय, तुम कल नहीं आए? सॉरी, हमने कहा तो था हमारे घर में पूजा थी। और हमने सुना है कि कल कुछ गुंडों ने, अरे अगर उन्हें पता होता ना तो उनकी हमारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, पर वहाँ पर टाइम से फूड हीरो आ गया। यूवी? अरे अगर हम उस यूवी की जगह होते ना तो उन गुंडों को इस तरह से जाने ही नहीं देते। हाँ, लेकिन अब क्या करे, हर कोई हमारी तरह स्ट्रॉन्ग भी तो नहीं हो सकता ना। अरे मस्कल ऐसे थोड़े ही बनते हैं, उड़ता भी है। दूसरा उड़ा के लिखा। अरे कौन है भाई? बड़े भैया आप? मैं मसल्स बनाने की जरूरत है ना मुझे? नहीं नहीं, आप एकदम परफेक्ट हो। पक्का? पूरा पक्का, पूरा पक्का। बहुत देर तक चली गया। कहाँ यार, मेरी तो रेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये मुंबई के स्लम्स पूरी रात सोने नहीं दिया। अरे तमन्ना, तुम्हारे घर में तो फंक्शन था, कैसा गया? पहले तो लाइट वाला सीता के साथ भाग गया और जिस पर भरोसा किया। क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं तो लाइट, अब नहीं, वो फोन आ गया था। हम शूमी आगे निकल गया, इसलिए गलत लीवर दब गया। उसी ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। सारा शो खराब कर दिया। पता है गाइस, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ ना, मैंने एक चीज सोच ली, कभी किसी की हेल्प मत करना, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। Because nobody bothers, nobody cares. एक तो किसी की मदद करो, ऊपर से वही मुझे गाली देता है। अब मेरे को बताओ, कौन इंटेलिजेंट आदमी उस चौल टाइप जगह में जाना चाहेगा? तू जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो ऑब्वियसली। और यहाँ के वो तो स्लम्स पता कितने गंदे हैं कि गॉड, और वो फिल्म टाइप स्लम्स भी नहीं है, उनसे भी बदतर है। यू नो व्हाट, कई लोग अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, कूल क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं। आई सेड कॉल इट मैन।
यार तुम इतना घूरते क्यों? देखो इंटर्न्स इस अस्पताल में कभी किसी ने मेरे इजाजत के बगैर मेरे कैबिन में जाने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं की, लेकिन कल किसी ने हिम्मत की अच्छी तरह से जानता हूं कि यह गलती वही कर सकता है जो इस अस्पताल के रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूं कौन मेरे कैबिन में गया और किसने मेरी फाइल्स चेक किए। अच्छी तरह से जानता हूं कि आप में से कोई है। बेहतर होगा कि इसी वक्त कबूल करने वरना सबको सजा मिलेगी। मैं वो माय व्हाट डॉक्टर नैना सर मैं आपके ऑफिस में वो डॉक्टर नैना आप मेरे ऑफिस में कर क्या रही थी सर वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर से पेन लेने चली गई थी। अगली बार आप आंखें खुली रखेंगे, दोबारा ऐसी गलती की तो आपको अस्पताल से निकाला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर नैना डू यू अंडरस्टैंड? सर पूरा अंडरस्टैंड सर आई अंडरस्टैंड सर। सर रोटी तैयार। डॉक्टर चड्डा आ गया? जी नहीं सर, मैसेज आया है कि दिल्ली में एयरलाइंस की हड़ताल की वजह से वो नहीं आ सके। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या मैं सर्जरी में आपको असिस्ट कर सकता हूं? युवराज, स्पाइनल सर्जरी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड, कम से कम 7-8 घंटे लग सकते हैं। अच्छा है ना सर, आपसे और ज्यादा सीखने को ही मिलेगा। Get ready, 5 minutes.